तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं चिकन, वो भी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही लाजवाब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली जो है हमारा चिकन रेसिपी रेडी हो चुका है, और ये भुना हुआ रेसिपी बहुत बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा रेसिपी फाइनली बन चुका है, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये गर्मा गर्म पुलाव के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं, रोटी या चावल, पुलाव, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके बनाने का प्रोसेस हम आपको बताएँगे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम चलते हैं इसको बनाने का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो चिकन लिया है यहाँ पे देख सकते हैं, और चिकन को अच्छे से वाश कर लिया है। इसको मीडियम शेप में कट करके इसको क्लीन करके वाश कर लेना अच्छे से, और इसको पानी निकलने तक वेट कर लेंगे। फिर पानी निकाल करके इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे, यानी इसमें से आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, फिर आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें से थोड़ा सा हम नींबू निचोड़ लेंगे, यानी हाफ नींबू निचोड़ लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। नींबू निचोड़ने के बाद इसमें हमें कुछ नहीं करना है, और बहुत ही ईजी है, ऐसा टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है इसका। और थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर लेंगे हम, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें कलर ऐड किए हैं, और ये खाने वाला जो कलर होता है रेड कलर, वो हम इसमें ऐड करते हैं, आम भाषा में चंपाई रंग बोला जाता है इसको। उसके बाद इसको मसाल लेंगे, और मसाल करके मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हम अलग रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम आपको बताते हैं आगे करना क्या है। तो मसाल करके रेडी कर दिया है, यहाँ पे लिए हैं हम 250 ग्राम प्याज, वो ये 1 kg हमारा चिकन है, और 250 ग्राम प्याज को कट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसको बनाने का प्रोसेस बताते हैं, बहुत ही ईजी है, आप सब बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो यहाँ पे तेल ऐड किए हैं हम 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 70 ग्राम तक तेल है। ये हीट हो जाने पर इसके बाद खड़ा गरम मसाला और तेज़पात भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद ये कटा हुआ प्याज जो है वो हम इसमें टोटल डाल लेंगे, और डालने के बाद इसको हम 70% तक पका लेंगे। आपको 100% नहीं ब्राउन करना है इसको, 70% तक प्याज को पका लेना है। और इसको पकाने में आपको समय लग सकता है, 4-5 मिनट का समय लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप हाई फ्लेम कर ले ताकि जल्दी प्याज पक सके। और इसमें हम स्वाद अनुसार मिर्च डाल लेंगे, यहाँ पे हम सूखा हुआ मिर्च ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसको पीस कर भी या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम खड़ा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे जो है इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे हमारा 70% पक चुका है प्याज, आप देख सकते हैं फाइनली 70% रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मसाले आपको दिखा रहे हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1.5 चम्मच जीरा मिर्च है, और स्वाद अनुसार नमक है, ये टोटल हम इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कुछ और पेस्ट दिखा रहे हैं जो कि मसाले हैं यहाँ पे, ये है इसमें धनिया, 2 चम्मच धनिया पेस्ट है, और इसमें 2 कली लहसुन का पेस्ट है, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। ये टोटल पेस्ट बना चुके हैं इसमें, अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके प्याज को पकने देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मसाला जो है मिक्स कर चुके हैं, और हल्का सा पानी डाल करके इसको अच्छे से पकाना शुरू करेंगे, और इसको पकाएंगे, यानी इसको भी 70% ही हमें पकाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली जो हमारा 70% चिकन और सॉरी मसाला जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये चिकन को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमें कम से कम 8 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, फाइनली 8 मिनट ही हमें पकाना है। तो यहाँ पे मिक्स कर चुके हैं, अब ढक्कन को बंद कर लेंगे। चलते हैं कढ़ाई का ढक्कन लगाते हैं, और इसको बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद 8 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और बीच बीच में आपको ढक्कन हटा करके चला लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे 8 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे, और आपको दिखाएँगे यहाँ पर जो है पूरा पानी जो चिकन है बाहर चिकन से बाहर निकल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको अब हमें ढक्कन बंद, आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, और नहीं भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये 50% से ऊपर पक चुका है। तो यहाँ पे हम ढक्कन बंद भी कर सकते हैं अगर चूल्हे से अलग हट रहे हैं तो, अगर नहीं है तो इस पर कंटिन्यू हम रह रहे हैं तो ढक्कन बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनना शुरू करेंगे, यानी इसको पूरा अच्छे से सुखा लेंगे हम। तो आपको लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा मीडियम फ्लेम पर पकने में। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप हाई फ्लेम कर सकते हैं, नहीं तो मीडियम पर ही सही रहता है क्योंकि जलने वालों का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरा इसका स्वाद जो है इसकी खुशबू जो है एकदम टेस्टी ना लगने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो चिकन है पूरा ये सूख चुका है, इसका पानी ऊपर जो है पूरा ऑयल दिखाई रहा है, यानी तेल दिखाई दे रहा है, और मसाले पूरा अच्छे से पक चुके हैं। फाइनली जो है हमारा चिकन रेसिपी ये फाइनली हो ही चुका है, और 1 से 2 मिनट में फाइनली ये जो रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद हम चूल्हे को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली जो है हमारा चिकन तैयार हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसका लुक भी देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े की बनी है, और हमें तो पुलाव के साथ बेहद पसंद है चिकन।
और ऐसे भुना हुआ रेसिपी तो हमें बहुत ही मज़े की लगती है, हमें बहुत पसंद है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा। तो अब दोस्तों अब चूल्हा को बंद करते हैं और बंद करने के बाद इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे फाइनली जो है हमारा चिकन रेसिपी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी होता है। तो फाइनली हमारा रेसिपी कंप्लीट हो चुका है। तो आप सब बताइएगा कि कैसा बना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में